रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां गांव की ही रहने वाली एक महिला ने नाबालिग लड़की को 70,000 रुपए में लेकर दमोह के एक युवक को बेच दिया था। दरअसल मामला 4 वर्ष पहले का है, जहां मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को उसके ही गाँव की चाची ने बहला फुसलाकर घर से बुलाया और किशोरी को मऊगंज बाजार में ले गई और वहां नशीला पदार्थ खिलाकर दमोह के रहने वाले युवक को उसे 70,000 रुपए में बेच दिया। दमोह के रहने वाले जिस विक्रम अहिरवार से किशोरी के लिए सौदा किया गया था, उसने किशोरी को 4 साल तक अपने घर में रखा। 4 साल बाद किसी तरह किशोरी उसके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची। इसके बाद उसने घटना का खुलासा किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गांव की नाबालिग का सौदा करने वाली चाची को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दो की तलाश जारी है। पास में रहने वाली महिला है और इसने इसको बहला फुसला के आज से 4 वर्ष पूर्व उसको यहाँ से ले गई थी। उसके पश्चात बच्ची इतनी समझदार नहीं थी तो वो उसको चली गई साथ में पड़ोस की आंटी के नाते, वहाँ जाके उसने उसको विक्रय कर दिया। कितने बेचा था सर? तभी तो जो बच्ची ने बताया है कि मुझे ये जो बातचीत में पता पड़ा 70,000 रुपये के आसपास की राशि उसने कहा है, मुझे जानकारी में आई है कि मेरे लिए दी गई। अब जब तक आरोपी और मिलेंगे तो वो लोग पूरा फैक्ट कैसे बताएंगे। पहुंची यहाँ तक, कैसे पहुंची है? बाद में जब इनका एक व्यक्ति की तभी बालिग हो गई तो उन्होंने, जिस व्यक्ति ने सहायता इनकी की थी उसके साथ ये शादी कर चुकी हैं, उनके साथ रहती हैं। बीच में भी लौट के एक बार जब यहाँ पर आई तो हम लोगों की टीमें लगी हुई थी कि जो बच्चे नहीं मिल रहे हैं एक बार उनसे संपर्क करें, मोहल्ले में कॉलोनी में जाके बात करें। उस क्रम में हमको जब ये मिली हैं तब ये पूरा घटनाक्रम का हम लोगों ने खुलासा कर पाया।